उस दूध का क्या करते हैं जब गाय गाय है, गाय का बछड़ा होता हम, है हम बच्चे को पीने देते हैं, बच्चे को पीने देते हैं, वो उसका हक है। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने ऐसे बहुत सारे किसान या ऐसे लोग देखे होंगे जो डेयरी फार्मिंग के लिए गायें पालते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ जहाँ पर सिर्फ गोबर और गोमूत्र के लिए गायें पाली जा रही हैं, और ये किसान ऑर्गेनिक फार्मर हैं। तो उनका क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या सोच है, और क्या ये प्रॉफिटेबल है, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। सिर्फ गोबर और गोमूत्र के लिए गायें पालना कितना फायदेमंद है, ये जानने वाले हैं इस वीडियो में। हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश की अल्पना जोशी जी हैं, जो हमें बताएंगी कि उनका क्या लॉजिक है इसके पीछे और ये कितना फायदेमंद है। अल्पना जी नमस्कार। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है। तो अल्पना जी, आप गायें पालती हैं, ऑर्गेनिक फार्मर हैं आप, किसान हैं। दूध उत्पादन के लिए गाय नहीं पालना, ये एक अलग सोचने में आता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है सिर्फ गोमूत्र और गोबर के लिए गाय पालना? देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग का आधार उसका मैन्योर होता है, एंड मैन्योर के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आपको गायें, आपके पशु होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपना खुद का मैन्योर यहीं बनाते हैं अपने फार्म पे, जो बहुत एक सस्टेनेबल तरीका भी है ऑर्गेनिक फार्म को चलाने का। गायें को सिर्फ दूध के लिए पालना मुझे नहीं लगता कि बहुत एक अच्छी चीज़ है। गाय के और भी गौमूत्र, गोबर के और इतने ज़्यादा फायदे हैं जी, जिसको हमने बिल्कुल अपने फार्म पे इसको देखा है, एक्सपीरियंस किया है अपने साथ। तो मैन्योर बनाना बहुत ही आसान है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। इसमें सिर्फ 5 चीज़ें लगती हैं जी, गोबर, गौमूत्र, गुड़, चोकर और पीपल के मिट्टी, पीपल के पेड़ की थोड़ी सी मिट्टी एक मुट्ठी, जिसको 7 दिन के लिए सड़ाया जाता है, एंड वो जो बनता है जीवामृत जिसको बोलते हैं जी, उसको पानी में मिला के आपको पूरे फार्म पे और स्प्रेड करना होता है, जो इतनी इफेक्टिव खाद है जी, कि हमको मार्केट से कोई खाद केमिकल तो सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं है जी। हमारा जो ये फार्म था 12 इयर्स पहले, यहाँ की बलुई मिट्टी थी जी, और आज हमारी, अगर हम खाद ना भी डालें तो भी हम अपनी क्रॉप ले पाते हैं जी, क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ आ गई है मिट्टी में। तो हमें ये समझना चाहिए कि मिट्टी जो है हमारी मदर अर्थ, वो एक लिविंग चीज है जी। तो जब हम उसमें दवाइयाँ और केमिकल वाली खाद डाल डाल के हम स्लोली उसको मार रहे हैं जी, जब हम उसको मार रहे हैं तो जो उसका प्रोड्यूस होता है उसमें भी वो केमिकल्स आते हैं, वो केमिकल्स एंड अप करते हैं हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी धीरे धीरे वीक होती चली जाती है ऐसी ऐसा फूड खा के जी, जो ऑर्गेनिक नहीं है जी। इसलिए हमारी मिट्टी को हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमको ये मैन्योर जो हम प्रोड्यूस करते हैं अपने फार्म पे अपने ही पशुओं से, तो एक साइकिल सा है जी। और फार्म पे ही सब कुछ होता है, तो हम कोई भी, आपको हैरानी होगी सुन के कि हम लोग कोई भी बाहर से मैन्योर खरीदते ही नहीं हैं जी, ये अपने में काफ़ी है जी। जीवामृत जीरो बजट फार्मिंग भी बोला जाता है इसको, तो दिस इज़ इनफ। तो आप ये एक बहुत आसान तरीका है, बहुत सस्ता तरीका है, जानवर तो एक फार्मर के पास होते ही हैं, तो सिर्फ दूध निकाल निकाल के जानवर को क्यों परेशान करना इंजेक्शन लगा लगा के, तो उसके और भी बहुत फायदे हैं, तो जो हमने एक्सपीरियंस किए हैं और जो बहुत प्रॉफिटेबल है, तो इससे हमारा खर्चा भी बच रहा है बहुत। यूरिया और जो फार्मर खरीदता है, इतना एक्सपेंसिव यूरिया और बाकी केमिकल खादें, तो उसकी मुझे नहीं लगता, इट्स जस्ट अ माइंड सेट कि आप अपना सोच बदलें और ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी शुरू करें तो जी, जो सस्टेनेबल भी है। अल्पना जी, कितनी गायें आपके पास है? हमारे पास करीब 10-12 रेंजिंग रहती हैं जी। हाँ जी, 10-12 गायें हैं, और जो हमारे फार्म के लिए सेल्फ सफिशिएंट है जी। अब देखिए, 10-12 गायें हैं जिनको ये दूध बेचने के काम में नहीं ले रहे, अगर दूध बेचे तो बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है, लेकिन उस दूध का क्या करते हैं जब गाय है, गाय का बछड़ा होता है? हम बच्चे को पीने देते हैं, बच्चे को पीने देते हैं, वो उसका हक है। ये देखिए उसका हक है, कितना साइंटिफिक जो लॉजिक है कि गाय का दूध है बछड़े के लिए होता है, लेकिन डेयरी फार्मिंग जब हम करते हैं तो उसको हम कमर्शियली यूज करते हैं। तो जब आप गायों को रखते हैं
इनको चारा भी चाहिए होता है, उनको खिलाने पिलाने के लिए व्यवस्था भी करनी होती है, तो क्या आपका ये जो एक्सपेंसेस है, जो 10 गायें रखते हैं आप, 12 गायें, वो आपको अफोर्डेबल है? अफोर्डेबल है किसान अगर इसको सिर्फ इस पर्पस से रखे तो? देखिए कई ग्रीन्स तो आप हम फार्म पे ही निकल आते हैं और हम गाय के लिए लगाते भी हैं चरी जी। जब मॉनसून का टाइम होता है तो एक क्रॉप लगती है जो गायों के लिए ही लगती है जी। वो भी, और जब हमारी गेहूं उतरती है तो उसका जो भूसा जी। वो हम स्टोर करते हैं, तो ऑल द ईयर राउंड हमारा हो जाता है जी। तो आप गाय से जो आप लेते हैं चीजें, तमाम चीजें, जैसे कि आपका गोमूत्र है, गोबर है, ये आपके खाद की पूरी डिमांड पूरी करता है और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है नहीं? नहीं। तो ये आपका ये मॉडल आपके हिसाब से आपको लगता है कि किसान इसको अपना सकता है? अगर कोई गाय दूध नहीं भी दे रही, देसी गाय है, तो वो रखनी चाहिए उसको? देसी गाय तो वैसे भी पूजनीय है हमारे स्क्रिप्चर्स में, गाय को अपने फार्म पे रखना चाहिए, ये हमारे परिवार की तरह है। हम बीमार हो जाते हैं तो हम इनको बाहर नहीं फेंक देते या छोड़ नहीं देते, बल्कि बाहर से भी कितनी बार हमारे फार्म पे आ जाते हैं पशु, तो हम उनको भी रख लेते हैं जी। तो ये पहले इनका हक है इस फार्म पे, फिर हमारा जी। तो हम इनको एकदम परिवार की तरह मानते हैं। तो ये आपका इनका मॉडल है, देखिए कि सिर्फ गाय का गोबर और गोमूत्र मिले इसलिए गाय को यहाँ पर रखते हैं। और इससे आपका कितना एकड़ का खेत है, कितना बीघा है ये जमीन? हमारा 7.5 बीघा, साढ़े आठ बीघा हमारा है। 8.5 बीघा जमीन है, उसके लिए आपके 10 गाय हैं, तो इसमें भरपूर आपको खाद बिल्कुल मैन्योर मिलता होगा खाद सब? हाँ जी, कभी कभी एक्स्ट्रा भी हो जाती है। एक्स्ट्रा भी हो जाती है, तो उसका क्या करते हैं आप? नहीं, हम लोग कभी अपने घर ले जाते हैं अपनी गार्डनिंग के लिए, या कभी दे भी देते हैं जी। हाँ जी, स्टोर कर लेते हैं जी। तो ये एक अच्छा आइडिया कि अगर आपके पास ज्यादा पशु हैं, अगर वो दूध नहीं देने वाले हैं, उनका गोबर और गोमूत्र ज्यादा है, तो उसे आप कमर्शियली भी प्रोडक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत और लोग करते हैं, जो हमारे जानने वाले हैं वो ऑर्गेनिक मैन्योर्स बेचते हैं, जो अपने फार्म पे बनाए हुए वो लोग उनको ड्राई करके बेचते हैं, तो ये भी एक कमाई का एक जरिया है जी। किसान इसको अपना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, छोटे किसान है अगर उनके पास जमीन ज्यादा नहीं है तो वो इस चीज को कर सकते हैं। बिल्कुल, मैन्योर ऑर्गेनिक मैन्योर जिसको आप बोलेंगे, जिसमें बिल्कुल कोई केमिकल नहीं है, वो आप डेफिनेटली आप उसको सेल कर सकते हैं जी। तो ये इनका फार्म है जिसमें ये गेहूं उगाते हैं, मस्टर्ड उगाते हैं, हल्दी उगाते हैं। तो लखनऊ के पास कौन सा लोकेशन है ये? ये सीतापुर रोड पे है फार्म, रैथा विलेज के पास। रैथा विलेज के पास लखनऊ का ये है। तो फ्रीडम यात्रा के दौरान जब हमें इनकी स्टोरी बड़ी दिलचस्प लगी कि ऐसा किसान जिसके पास 10 गायें हो और वो दूध ना बेचकर सिर्फ गौमूत्र और गोबर के लिए उनको रखे, ये बहुत क्यूरियस चीज़ थी, इसलिए इनसे मिलने आए हम। और ये पूरा स्टोरी हमने कवर किया कि कैसे आप गायों को रखते हैं और इससे कितना प्रॉफिट आप मतलब कितना वाइबल है ये। तो ये बिल्कुल किसान के लिए अफोर्डेबल है, किसान उसको रख सकता है और ज्यादा नुकसान नहीं होगा उसको, नहीं फायदा होगा जी, खेत का भी फायदा होगा किसान को फायदा होगा। तो आप हमारे साथ आए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, थैंक यू अर्पणा जी। उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो गायें हैं इनका नंबर बढ़ेगा और बहुत अच्छा आपका जो बिजनेस है आपका मैन्योर का बिजनेस हो जाएगा, उम्मीद ऐसे करते हैं जी। तो दोस्तों ये अल्पना जोशी जी थी जो बता रही थी कि किस तरह से यहाँ पर वो गायें रखती हैं और उसका उपयोग है वो गोबर और गोमूत्र के लिए होता है और इन गायों का दूध है वो बछड़ों के लिए या उनके बच्चे उनके लिए छोड़ा जाता है। इसके बावजूद भी गायें रखना फायदे का सौदा है, इससे नुकसान नहीं होता, क्योंकि जो गोबर और गोमूत्र मिलता है उससे जो मैन्योर और खाद तैयार होती है उसकी कीमत बाजार में जो हम केमिकल फर्टिलाइजर खरीदते हैं उससे कहीं ज़्यादा होती है। तो अगर आपके पास ज़्यादा पशु है, अगर वो दूध नहीं भी देते हैं, तो आप उसके गोबर से और उसका जो मूत्र है उससे मैन्योर तैयार कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं, और जो पेस्टिसाइड है केमिकल वाले उसकी बजाय आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड तैयार कर सकते हैं, अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़े पैमाने पर ये प्रोडक्शन है तो आप इसका बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर देश में जो गौशालाएँ हैं अगर वो भी मैन्योर और पेस्टिसाइड बनाए ऑर्गेनिक वे में, तो ये जो गौशालाएँ हैं वो खुद प्रॉफिट में आ जाएंगी और एक बड़े यूनिट बन जाएगी कि वो प्रॉफिट मेकिंग में तब्दील हो जाएगी, वो बोझ है जो लगता है लोगों को वो हट जाएगा, और जो गौशालाओं के लिए बजट चाहिए होता है सरकार से शायद उसकी भी ज़रूरत आने वाले वक्त में नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ऐसी दिलचस्प कहानियां आपको हम फ्रीडम यात्रा के दौरान दिखाते रहेंगे, जो लोग अपने अंदाज में एक नई शुरुआत करते हैं और बदलाव के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए आपको ये करना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी फ्रीडम यात्रा की नई स्टोरी नई कहानी आपके पास आए तो आप उसको देख पाएं, और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे और उनको भी नई नई कहानियां देखने को मिले और सक्सेस जो स्टोरीज हैं उनको वो जान पाए।
और एक चीज़ और करनी है आपको, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। फ्रीडम ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तमाम चीज़ें वहाँ पर मिलेगी, चाहे आप मैन्योर बनाना सीखें, चाहे आप खाद बनाना सीखें या ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है वो बनाना सीखें, सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेगी। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का तमाम तरीके हैं वो आपको, ऑर्गेनिक कोर्स है वहाँ पर फ्रीडम ऐप पर, उसको देखकर आप सीख सकते हैं। तब दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।